Hi, this is Popal from PIE. आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग ऐसे राइटिंग में 7-7 प्लस बैंड्स कैसे आ सकते हैं। वेल, इस चीज का जो आंसर है उसका आंसर ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि हम क्या लिखेंगे। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में आता है। द क्वेश्चन इज, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन द लिबर्टी टू टेक डिसीजन। डू यू एग्री और डिसएग्री? 90% students would end up writing I strongly disagree and then they would start writing it down. जब वो आंसर लिखते हैं तो पहला पॉइंट जो माइंड में आता है कि बच्चे जो हैं वो डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनको पता नहीं होता है, बहुत ही टेंडर एज है, पेरेंट्स को लेना चाहिए, विच इज एब्सोल्यूटली राइट, गलत नहीं है। अब जब तक आप यहां तक पहुंचते हो ऑलरेडी 20 मिनट्स ओवर हो चुके होते हैं और आपने सेकंड पॉइंट लिखना होता है एंड यू आर लाइक अब मैं सेकंड पॉइंट क्या लिखूं? यहां पे प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम को सेव करने के लिए आपका एक ही तरीका है जिसको आप वर्क कर सकते हैं। लिखने से पहले सोचें, अगर एग्री है तो क्या पॉइंट्स है, अगर डिसएग्री है तो क्या पॉइंट्स है। डोंट गेट इमोशनल एंड देन जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। रिलैक्स, अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन ये है, दिल ये कहता है जो कि गलत नहीं है, लेकिन अगर आप दिल की बात सुन रहे हो और आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो वो 7 बैंड्स नहीं आएंगे। दूसरा पहलू सोचो कि लाइक यू नो चिल्ड्रन को क्यों लिबर्टी देनी चाहिए। थिंक अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ टुडेज टाइम। आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास एक्सेस होता है सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स का, उनकी जो स्कूल का जो करिकुलम होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है जहां पर लॉजिकल थिंकिंग होती है, टीम वर्क होता है, तो उनका जो माइंडसेट है वो ऑलरेडी ब्रॉड है। तो ये पहला पॉइंट आया अगर आप सोचेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि अगर बच्चों को लिबर्टी दी जाती है जब वो स्कूल में होते हैं, अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं और पेरेंट्स उनको लिबर्टी देते हैं, तो क्या होता है कि आने वाले टाइम में इन द फ्यूचर दे विल बी इन अ गुड पोजिशन टू टेक अप कैलकुलेटेड रिस्क एंड दैट रिस्क कैन बी इन्वॉल्व मे बी ओपनिंग अप अ बिजनेस इन एक्स वाई जेड। See, you have two different points जिसपे आप repeat भी नहीं कर रहे हो और आपका जो mindset है वो बहुत ज्यादा broad हो गया है। अगर आप अपने essays को इस तरह से workout करें, दिल से नहीं सोच के mind से सोचें, ideas को frame करें and then you end up writing it down, I'm sure things will be in a very good position.